सेटिंग्स को बदल लें। सबसे पहले इस मेनू बटन को प्रेस करें। यहां पर मैनेज डेटाबेस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मशीन में जो भी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी यहां स्क्रीन पर मिल जाएगी। अपने रेस्टोरेंट और होटल के हिसाब से हम प्रोडक्ट या रिसीट पर प्रिंट होने वाले हेडर फुटर या प्रोडक्ट के यूनिट को यहां बदल सकते हैं। प्रोडक्ट को बदलने के लिए ऑप्शन वन सेलेक्ट करें। यहां पर जो मशीन में प्रोडक्ट है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं या खुद नए प्रोडक्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन टू सेलेक्ट करें। यहां पर प्रोडक्ट का नाम एंटर करें। और एंटर प्रेस करें। यहां पर प्रोडक्ट का रेट एंटर करें और एंटर प्रेस करें। यहां पर प्रोडक्ट का यूनिट सेलेक्ट करें। सारी एंट्री हो जाने के बाद इस स्क्रीन पर आपको सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। अब आगे जाने के लिए एंटर प्रेस करें। ये प्रोडक्ट मशीन के मेमोरी में ऐड हो जाएगा और आगे की बिलिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगा। इसी तरह हम इस रिसीट पर प्रिंट होने वाले हेडर फुटर को भी बदल सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करें। ऑप्शन 2 प्रिंट दबाने से हमें पता चलेगा कि हमारे मशीन में क्या हेडर फुटर सेव है। इस हेडर फुटर को एडिट करने के लिए हम ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हम स्क्रॉल कर देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी लाइनें हैं। हमें जिस भी लाइन को एडिट करना है उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। यहां जो टाइटल चाहिए वो टाइटल लिखें और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। हेडर को एनेबल करें, फॉन्ट साइज सेलेक्ट करें और कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएं।